जी हाँ दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबले का दूसरा दिन दोस्तों बहुत ही रोमांचक रहा फर्स्ट सेशन आप सभी को बता दें कि फर्स्ट सेशन के दौरान ही बहुत कुछ घटता देखने को मिला और इस सीरीज में पहली बार भारतीय टीम के रविंद्र जडेजा जो स्पिनर गेंदबाज है उनको एक सफलता हाथ लगी साथ ही साथ टी का स्पेशलिस्ट बल्लेबाज डेविड मलान के बल्ले से रनों का तूफान भी देखने को मिला और कैसे दोस्तों मोहम्मद शमी ने अब मैच पलट दिया है टीम इंडिया के नजरिए से और इंग्लैंड की टीम कैसे दोस्तों इस मैच पर बुरी तरीके से पकड़ बनाई हुई है

बल्लेबाज द्वारा बीस रन तक भी नहीं पहुंचा जा सका और दो दो ही बल्लेबाज सिंगल डिजिट के अलावा दो डिजिट के के अलावा नंबर तक पहुंच पाए जिसमें दिग्गज खिलाड़ी जो हैं और एक के बाद एक यही बयान दे रहे हैं कि जो गेंदे विराट कोहली को छोड़नी चाहिए बल्कि उसके साथ खिलवाड़ करते हैं उसी को छोड़ें ताकि आप अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखें सुनील गावस्कर ने भी यही राय दी कि आप सचिन तेंदुलकर को तुरंत ही फोन करो ताकि आप वो जानकारी दें कि कैसे गेंद को छोड़ा जाता है सही तरीके से ताकि आप लंबे समय तक मैदान पर टिके रहें लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे थे आज दूसरे दिन के लंच ब्रेक तक के खेल की कैसे टीम इंग्लैंड एक रन पर पहुंच गया है दो विकेट के नुकसान पर यानी कि खेल शुरू होने के बाद आज के फर्स्ट सेशन के दौरान उन्होंने बासठ रन यहां पर बना लिए हैं लेकिन दो विकेट भी खो दिए हैं लग रहा था कि टीम इंडिया आज वापसी बहुत तगड़ी करने वाली है क्योंकि कल जो पहला सेशन हुआ था उसी में टीम इंडिया की धरा विकेट गिरते चले गए थे और फर्स्ट सेशन तक टीम इंडिया के कल चार विकेट थे उसके बाद जैसे ही दूसरा सेशन का हाफ हुआ था उसी में ही टीम इंडिया पूरी की पूरी पवेलियन लौट चुकी थी लेकिन आज के पहले सेशन में नई गेंद के साथ भी ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई और पंद्रह रन के बाद यानी कि एक के बाद एक रन पर रोरी वंश का विकेट लिया था मोहम्मद शमी ने गैप हो गया था पैड और बैट के बीच में जिसकी वजह से मोहम्मद शमी विकेट लेने में कामयाब रहे थे लेकिन एक गेंदों में इकसठ रन की पारी रोरी वंश ने खेली थी मोहम्मद शमी ने इनको भले ही आउट किया लेकिन तब तक ये अपना काम कर चुके थे छह चौके एक छक्का लगा चुके थे और 135 रन की अगर आपकी पार्टनरशिप पहली होती है जब जब आप टीम इंडिया के खिलाफ अठहत्तर

है और इसमें इनके बल्ले से एक रन तक की पारी आई थी जी हाँ दोस्तों हम लीड्स के मैदान की ही बात कर रहे हैं इसी वजह से टीम इंग्लैंड ने इनको इस मैदान पर खिलाना पसंद किया क्योंकि इस मैदान पर इनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है एक ही फर्स्ट क्लास मैच में एक सौ निन्यानवे रन की पारी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन अभी तक डेविड मलान ने दोस्तों अपने सत्ताईस रन की पारी में चार चौके यानी कि सोलह रन तो उन्होंने चौके चौके में ही बटोर लिए हैं सत्ताईस रन में से उनचास गेंदों में सत्ताईस रन बनाकर डेविड मलान नाबाद खड़े हैं और जो रूट जो टीम इंडिया की सबसे बड़ी मुसीबत है क्योंकि कप्तान जो रूट हमेशा ही टीम इंडिया के खिलाफ रन मारते हैं अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो पिछले दोनों टेस्ट उठा के देख लीजिए फर्स्ट इनिंग में दोस्तों चौसठ से साठ रन की पारी के बीच खेला था दूसरी इनिंग में भले ही नाकाम रहे थे लेकिन अगर इन सबको टोटल करके देखा जाए तो अभी तक इस सीरीज में हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो अंक तालिका रहती है बल्लेबाजों के हिसाब से आईसीसी रैंकिंग उसमें भी नंबर वन पर ये बरकरार है रोहित शर्मा है और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज भी पीछे लाइन में है लेकिन ये काफी कदम आगे निकल चुके हैं क्योंकि इस साल दोस्तों ना ही विराट कोहली ना ही रहाणे ही पुजारा किसी ने भी कोई शतक नहीं लगाया लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो रूट ने कम से कम तीन शतक लगा दिए तीन बार इन्होंने डेढ़ सौ रन तक का आंकड़ा छुआ है इस साल ही दोस्तों तो यह खासियत है इस बल्लेबाज की अब टीम इंडिया के लिए दूसरा सेशन क्या खुशियां लेकर आएगा या गम क्योंकि यहां पर डेविड मलान दोस्तों विस्फोटक पारी खेल रहे हैं पचपन के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं जो रूट ने भी अपने बल्लेबाजी में एक तरीके से तीखापन यहां पर दिखा दिया है क्योंकि चौदह गेंदों में चौदह रन ये बना चुके हैं सौ के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं दो चौके लगा चुके हैं तो ये एक अच्छी पारी देखने को मिली लेकिन हसीब हमीद का जो विकेट लिया दोस्तों वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला है क्योंकि 195 गेंदों पर 68 रन की पारी हसीब हमीद खेले गए और रविंद्र जडेजा ने इनको क्लीन बोल्ड किया 12 चौके हसीब हमीद ने मारे थे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन रविंद्र जडेजा ने विकेट लिया ये खासियत है जब बड़े से बड़े गेंदबाज जिसमें ईशान शर्मा जसप्रीत बुमराह सिराज जब सब नाकाम हुए तो जडेजा ने बड़ी सफलता दिलाई फर्स्ट सेशन के खत्म होने से पहले अगर हसीब हमीद का विकेट भी नहीं आता तो टीम इंडिया दोस्तों पूरी तरीके से मुसीबत में होती अब इस बात से आकलन कर सकते हैं कि इंडिया ने फर्स्ट इनिंग के दौरान अठहत्तर रन बनाए हैं और इंग्लैंड अभी से ही एक रन की लीड ले चुका है तो कितनी मुसीबत आने वाली है टीम इंडिया के लिए सामने अगर टीम इंडिया यहाँ पर इंग्लैंड को दो रन से पहले रोक लेती है तो भी बहुत बड़ी मुसीबत में हो जाएगी दोस्तों टीम इंडिया के लिए क्योंकि यहाँ पर इनको पहले दो रन चेस करने होंगे उसके बाद एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा तो पूरी तरीके से ये मैच दोस्तों इंग्लैंड के पक्ष की ओर झुकता नजर आ रहा है परसेंट से सत्तर परसेंट चांसिस दोस्तों इंग्लैंड की जीत के लग रहे हैं दस परसेंट चांसेस सिर्फ टीम इंडिया की जीत के और दस परसेंट मैच के ड्रॉ यानी कि टाई के लग रहे हैं बरसात का कुछ नहीं कहा जा सकता इसी वजह से तो यह है अब तक का का दोस्तों मैच हाल लेकिन मोहम्मद शमी और दविंद्र जडेजा को एक एक सफलता मिल चुकी है डेविड मलान उन रन पर जो रूट चौदह रन पर खड़े हैं एक रन दो विकेट के नुकसान पर टीम इंग्लैंड का स्कोर हो चुका है एक रन की लीड हो चुकी है लेकिन टीम इंडिया के लिए इस मैदान पर मैच जीतना क्यों इंपॉर्टेंट है आपको वो भी बता देते हैं दोस्तों क्योंकि इक्यावन साल का रिकॉर्ड रहा है कि बड़े से बड़े दिग्गज जब कप्तान इस मैदान पर आए हैं तो उन्होंने हमेशा ही जीत की ओर लेकर गए हैं टीम इंडिया को ये हम नहीं दोस्तों बल्कि आंकड़े कह रहे हैं और ऐसा भी हुआ है दोस्तों इस मैदान पर कि टीम इंग्लैंड की सड़सठ रन पर ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी दरअसल दोस्तों टीम इंडिया हेडिंगले के मैदान पर 19 साल बाद खेलने के लिए आई है टेस्ट मैच पिछली बार 2002 में कप्तान दादा सौरभ गांगुली की अगुवाई में टीम इंडिया ने एक मैच जीता था दोस्तों वो मैच इतनी शानदार तरीके से जीता था कि मेजबान को एक पारी और छियालीस रन के अंतर से हराया था भारत का इस मैदान पर रिकॉर्ड जितना शानदार है मेजबान इंग्लैंड का उतना ही शर्मनाक रिकॉर्ड है लेकिन ये शर्मनाक रिकॉर्ड अब धीरे धीरे सुधरता जा रहा है भारत पिछले इक्यावन सालों से इस मैदान पर नहीं हारा लेकिन इक्यावन सालों में मुकाबले भी कम हुए हैं उस बात पर भी गौर करनी होगी लेकिन उसे आखिरी हार दोस्तों 1967 में मिली थी तो इक्यावन साल की हारों का सिलसिला दोस्तों यहां पर जो अभी तक इंग्लैंड का चला आ रहा था लग रहा है अब उसको तोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है जबकि इंग्लैंड की अगर पारी की बात करें तो साल दो की एस एच के मुकाबले में सड़सठ रन पर ही पूरी टीम सिमट गई थी अब साल दो से पहले नाइनटीन में भी इस मैदान पर खेले गए टेस्ट मैच में भारत को जीत मिली थी नाइनटीन में खेला गया टेस्ट मैच भले ही ड्रॉ रहा

से 21 साल पहले जब दोस्तों दो दिन के अंदर ही टेस्ट मैच समाप्त हो गया था इसी मैदान पर वहां पर वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का दोस्तों मुकाबला चल रहा था लेकिन वहां पर पूरी तरीके से टीम इंग्लैंड भारी पड़ती नजर आई थी और एक पारी से जीत लिया था उस मैच को वेस्ट इंडीज को उनतालीस रनों से हार का सामना करना, करना पड़ा था तो यह मैदान हमेशा ही पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को अच्छा खासा मुसीबत में डाल देता है लेकिन विराट कोहली ने दोस्तों बड़े दिनों बाद टॉस जीता यह कह सकते हैं तो इसी वजह से शायद यह भी बहुत चक्के रह गए कि इनको क्या करना है लेकिन फैसला कहीं ना कहीं टीम इंडिया के विपक्ष में ही जाता दिख रहा है और टीम इंडिया पूरी तरीके से मुसीबत में दिख रही दो विकेट भले ही है क्योंकि अड़सठ रन की, पारी और हमीद की पारी खेल चुके हैं, तो उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्होंने टीम इंडिया के गेंदबाजों को काफी थका भी दिया है क्योंकि एक गेंद रोडी वंश और एक गेंद हसीब हमीद खेल गए हैं तो पिच का पूरा इस्तेमाल उन खिलाड़ियों ने पहले दिन कर लिया उसके पहले दिन के सेशन के कुछ दिन देर तक वो भी खेले लेकिन अब डेविड मलान और जो रूट पर निगाहें रहने वाली है कि इनमें से कौन सा बल्लेबाज विस्फोटक पारी खेलने की तरफ जाएगा क्या डेविड मलान विस्फोटक पारी खेलेंगे या जो रूट खेलेंगे क्योंकि जो रूट अभी तक सो के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं हमेशा ही दोस्तों यही देखने को मिलता है कि जो रूट ऐसे ही कुछ बल्लेबाजी करते नजर आते हैं उनकी रणनीति यही रहती है कि आते ही पहले रन जुटा लिया जाए क्योंकि तब टीम सोचती है विकेट लेने की लेकिन विकेट लेने के साथ साथ गेंदबाजी कुछ ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं गेंद राह से भटक जाती है और उसी भटकी हुई गेंद का फायदा उठाते हैं जो रूट जो चौके छक्के की दिशा में भेजते हैं तो उसी वजह से इनका शुरुआत में दोस्तों स्ट्राइक रेट हमेशा आप देखेंगे तो अस्सी से सौ के बीच में ही पाएंगे जिसकी वजह से ये आगे रन आसानी से बनाते रहते हैं धीरे धीरे और इन पर प्रेशर भी नहीं आता सामने वाले खिलाड़ी को भी दबाव में ज़्यादा नहीं आने देते तो जो रूट की यही खासियत रही है अब तक दोस्तों अगर आप दो टेस्ट मैचेस उठा के देखें लेकिन अब दोस्तों सिराज को वो काम करना होगा जिसके लिए वो जाने जाते हैं जिसके लिए विराट कोहली उन पर उम्मीदें जताते हैं साथ ही साथ दोस्तों इस मैच के पहले सेशन में हमने कई मौके पर ये देखा जो काम पहले कभी महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे वही काम दोस्तों अब रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में करते नजर आ सकते हैं आने वाले समय में क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा ने आज के मैच के दौरान विराट कोहली को कई राय दी और एक दूसरे के साथ काफ़ी बातचीत करते नजर आए जो अच्छी बात है दोस्तों जो लोग कहते हैं विराट और रोहित के बीच काफ़ी तकरार दिखती है तो आज के मैच का पहला सेशन उठा के देख लीजिए इन दोनों के बीच काफ़ी बातचीत हुई कि कैसे इंग्लैंड के इन खिलाड़ियों को आउट करके जल्दी पवेलियन भेजा जाए ताकि लीड्स ज़्यादा ना ले सकें और वो इसी मैदान पर टीम इंडिया वापसी भी कर सके तो विराट और रोहित की रणनीति कहीं ना कहीं कई हद तक सही साबित हो रही है लेकिन सेकंड सेशन में अगर टीम इंडिया ऑल आउट कर देती है टीम इंग्लैंड को तो पूरी से दोस्तों मैच में वापसी कर सकती है और टीम इंडिया के पास भी खतरनाक बल्लेबाजी है चितेश्वर पुजारा द वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं अजिंक्य राणे ने और जिनका रहने पहले भी अपने आप को इंग्लैंड जैसे ख़तरनाक मैदानों पर साबित कर रखा है तो देखते हैं दोस्तों सेकंड सेशन के दौरान क्या होता है लेकिन अब तक का मैच का हाल बहुत शानदार रहा है टीम इंग्लैंड के नज़रिए से इंडिया के लिए हमेशा ही अभी तक बुरी खबरें आई हैं लेकिन शमी ने विकेट ली है यह अच्छी बात है क्योंकि शमी जब विकेट लेते हैं तब तो ये लगातार विकेट लेते हैं और अच्छी बात उससे भी ज़्यादा यह है कि हसीब हमीद जैसे खिलाड़ी की जिन्होंने एक गेंदों का सामना किया है उसने दोस्तों अभी तक रविंद्र जडेजा के हाथों अपना विकेट खोया तो जडेजा को भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा यहां से वो वापसी कर सकते हैं तो दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का सेकंड सेशन बस कुछ ही देर में आप सभी को लाइव देखने को मिलेगा उसकी जानकारी भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी सब्सक्राइब कर बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट